हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे सभी लेवल्स के ऊपर, बिल्कुल टेक्निकली बात करेंगे स्टॉक किस लेवल के ऊपर हम लोगों को फ्रेश खरीदारी करने से एक क्विक प्रॉफिट होगा। इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर। साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में तकरीबन हम लोगों को 1.25% का गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीएसयूज बैंक जो है वो आपको नेगेटिव साइड ही क्लोजिंग दिया था। मार्केट में भी एक अच्छा फॉल हम लोगों को देखने को मिला था पीएसयू बैंक के साथ साथ। अगर बात करें प्राइवेट बैंक में तो जो है वो आपको एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.7% नीचे क्लोज हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 0.4%, एचडीएफसी बैंक 0.35%, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑलमोस्ट 2% नीचे क्लोज हुआ था। साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करेंगे तो पूरे वीक में साउथ इंडियन बैंक ने ऑलमोस्ट आपको 2% गेन किया। तो वीकली बेसिस पे स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था, लेकिन क्या हम लोगों को इस लेवल पे बाय कर लेना चाहिए? तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक में एक अपर लेवल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। 21.2 से 21.8 इस रेंज में स्टॉक को एक अच्छा रेसिस्टेंस मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहां पे मैं एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। क्योंकि अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे, एक बड़ा मूवमेंट आया, फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट, अगेन यहां पे आपको अपसाइड जाने का जरूर कोशिश किया। अब यहां पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। अगर स्टॉक यहां पे नीचे की साइड 15 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक में और बड़ा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को नीचे 12.5 और फिर 10 के लेवल के साइड लेके जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको नेकलाइन नहीं ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा 15-22 के रेंज में। जब तक यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होगा, स्टॉक में हम लोगों को फर्दर अप मूव देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे, मार्केट में गिरावट जरूर हो रही है, बट पीएसयू बैंक और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन दोनों में जो है आपको गिरावट नहीं हो रही है। मार्केट के कंपेरिजन में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ही कम गिरावट हो रही है अपने लेवल्स पे जो है सभी स्टॉक्स आपको हैं। इसी वजह से जो यहाँ पे हम लोगों को एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बात अगर करें मंथली चार्ट के बेसिस पे भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली जो है आपको प्रीवियस 4 मंथ से कंटिन्यूस यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। तो एक यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कंसोलिडेशन यहां पे आपको 16-17 रुपीज से ऊपर की साइड 2022 के लेवल के इनसाइड आपको हो सकता है। उसके बाद अगर यहां पे आपको 22 रुपीज के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके स्टॉक क्लोज देता है तो फिर इस स्टॉक में आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 35 और उसके बाद 50 के लेवल की साइड लेके जा सकता है। तो अभी आपको फ्रेश पोजीशन लेने से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको जल्दबाजी में फ्रेश पोजीशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।